tricks. So firstly, we should remember these variations for using tricks to solve these questions. These are fractions which are converted into percentage. So in previous video, मैंने बताया था आपको कि कैसे fraction को percentage में change करेंगे और percentage को fraction में change करेंगे. तो उसी तरह आपको ये फ्रैक्शन दिए गए हैं और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया गया है. जस्ट लाइक ऐसे जो सिंपल सिंपल फ्रैक्शन है, इस बेस पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन के क्वेश्चन आते हैं. तो एग्जाम के क्वेश्चंस में आपको टोटल नंबर दे देगा, फिर इसमें से कोई एक और टाइप का परसेंट दे देगा और आपसे पूछेगा कि कितना नंबर जो है वो इतना परसेंट होगा या फिर इतना परसेंट होगा. तो जो ये आपको परसेंट दिख रहा है, इसको अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं तो बहुत ही ज्यादा लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा. इसके लिए आपको यहाँ पे कुछ इजी ट्रिक्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं. तो उन ट्रिक्स का यूज करने के लिए आपको ये सारे कन्वर्जन जो है हमेशा याद रखने होंगे. तो बहुत ही इजी है, कन्वर्जन कैसे हुआ है. 1/1 = 100%, ये तो ऑब्वियसली सबको पता है, बिकॉज कोई भी चीज जो होती है वो अपने आप में 100% होती है. अगर नहीं भी पता है तो इसको कैसे कन्वर्ट कर लेंगे. अगर 1 का कितना परसेंट है तो 1/1 करेंगे, और परसेंट फाइंड करना है तो 100 करेंगे. तो ये ऑब्वियसली सवाल होके आएगा 100%. तो 1/1 जो होगा फ्रैक्शन वो 100% होगा. सेम ऐसे ही 1/2 जो होगा उसको भी कन्वर्ट करेंगे, 1/2 × 100 = ये हो जाएगा 50%. जस्ट लाइक ऐसे ही जो सारे फ्रैक्शन है 1/3, 1/4, 1/5 and so on, उन सबको हम जो परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे. इजिली आपको बताया गया था कि फ्रैक्शन को जब भी परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100. तो इस तरह से सारे को कन्वर्ट करने के बाद इतना इतना जो है परसेंटेज फाइंड हो रहा है. तो इन्हीं सारे परसेंट को यूज करके हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और कैलकुलेशन लेंदी होने की वजह से इसके गलत होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं. तो इसको हम देखते हैं. अगर जो ट्रेडिशनल मेथड हमें पता है कि कोई भी चीज टोटल दी होती है, परसेंट दिया होता है, तो उसमें कितना नंबर का वो परसेंट है वो फाइंड करते हैं. तो इस मेथड से करते थे. वो नंबर हमें फाइंड करना होता था, एक्स मान लेते थे, इक्वल टू करते थे क्या जो परसेंटेज दिया होता था वो, और मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर जो हमारा होता था वो करते थे और अपन 100 कर देते थे. तो अगर इस बेस पे हम सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे, परसेंट हमें दे दिया गया है 33.33%, मल्टीप्लाइड टोटल नंबर है 180 और अपन 100. अब अगर यहाँ से हम सॉल्व करेंगे 9/5, अब इसमें हमें टोटल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 का, फिर अगेन डिवाइड करना पड़ेगा 5 का. थोड़ा सा मुश्किल कैलकुलेशन हो जाएगा. अब इसी को इजी बनाने के लिए कैसे, अगर हमें ये सारा कन्वर्जन याद है तो कैसे यही चीज इजी हो जाएगा देखते हैं. ये देख लिया गया है कि 180 का 33.33% हमें फाइंड करना है. तो हमें क्या मालूम है, यहाँ कन्वर्जन से पता है कि 33.33% फ्रैक्शन में कितना होता है. तो वो होता है 1/3, यानी कि अगर टोटल 180 दिया गया है तो हमें उसका क्या फाइंड करना है, 1/3 पार्ट फाइंड करना है. तो बस कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से हमें मालूम चल गया कि 1/3 यानी कि 180 टोटल नंबर, और मल्टीप्लाई कर देना है 1/3 से इसका जो फ्रैक्शन काम है. अब इसको बस इजिली कैलकुलेट कर देंगे, ये आ जाएगा 60, ये हमारा आंसर हो जाएगा. तो यहाँ से देख रहे हैं जो चीज आप इतना ज्यादा कैलकुलेशन कर रहे हैं वो कन्वर्जन याद होने की वजह से बस एक लाइन में, एकदम एक स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. बस देखना है कि टोटल नंबर कितना है, परसेंटेज का मतलब ये चीज इतना इतने अच्छे से वो चीज याद होना चाहिए कि यहाँ पे जब आपको परसेंटेज दिखे तो वो तुरंत आपको फ्रैक्शन फॉर्म में दिखने लगे कि हाँ ये तो 1/3 है, और टोटल बस टोटल में मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रैक्शन का आंसर हमें मिल जाएगा. तो सेम इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज 14.28% ऑफ 350. अब हमें 14.28% दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ कन्वर्जन याद करेंगे. हाँ 14.28% जो है 1/7 है, तो हमें क्या करना है 350 का 1/7 पार्ट निकाल देना है बस. यानी कि 350 × 1/7 = ये हो जाएगा 50. बस यही आंसर हमारा हो जाएगा. जो क्वेश्चन आपने इतना ज्यादा लेंथी समझा था उसको इजिली एक स्टेप में सॉल्व कर देंगे, बस ये कन्वर्जन आपको रिमेम्बर रखना है. तो अब देखते हैं कुछ दूसरे टाइप का क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 200, इट इज इंक्रीज बाय 20%, व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ एक्स. तो इस टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली वर्ल्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है. तो इसमें दे दिया गया कि द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 200, तो इसमें एक्स की वैल्यू दे दी गई
20% इंक्रीज हो रही है, तो उसके बाद उसकी जो न्यू वैल्यू है वो क्या होगी, वही हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम ट्रेडिशनल मेथड जो होगा उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सबसे पहले जो यंग्स की वैल्यू दी गई है उसका 20% फाइंड करेंगे, उसके बाद उसको इसमें ऐड करेंगे, तब जो न्यू वैल्यू फाइंड होगी वो हमारे आंसर होगी। तो उस तरह से सॉल्व करके देखते हैं, तो जो वैल्यू है 200 इसका 20% बिकॉज 20% ही इंक्रीज हो रहा है, तो 20% इसका फाइंड करेंगे तो क्या होगा, 200 जो टोटल नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे परसेंट का 20/100, अब इसको तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 40, यानी कि 200 का 20% हमें 40 मिल गया, और इतना इंक्रीज हो रहा है तो जो न्यू वैल्यू होगी वो हमारी क्या मिल जाएगी, 200+40 यानी कि 240 हो जाएगी, जो न्यू वैल्यू होगी वो 240 होगी। तो यहाँ से हमें पहले इसका परसेंट फाइंड करना होगा, उसके बाद उसको टोटल में ऐड करके तब रिजल्ट मिलेगा हमें। अब इसी क्वेश्चन को इस कन्वर्जन की हेल्प से हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो हमें क्या करना है, जो इंक्रीज वैल्यू है उसको इसमें ऐड करके ही न्यू वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, तो पहले हम देखते हैं जो पहले वाला यक्स है, यक्स ओल्ड वैल्यू है, उसमें नेक्स्ट बढ़ी हुई वैल्यू को ऐड करेंगे। तो पहले यक्स प्लस जो वैल्यू बढ़ी है वो 20% बढ़ी है, यानी कि यक्स का 20% बढ़ा है, इसका मतलब हमें जो 20% इंक्रीज वैल्यू है उसको इसमें ऐड करना है। तो 20% का मतलब हो गया 1/5 जो है यक्स का 1/5 पार्ट इसमें ऐड करना है, इसका मतलब क्या है, 1/5 ऑफ यक्स, यही ऐड करेंगे यही हमारा टोटल क्या है, रिजल्ट हो जाएगा। तो बस अब इसमें जो है वैल्यू पुट कर देंगे या फिर इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो सिंप्लीफाई करने का मतलब यक्स काम करेंगे और ये हो जाएगा 1+1/5, बस इसमें वैल्यू पुट करेंगे हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यक्स की वैल्यू हमें दे दी गई कि 200 है, 200 और मल्टीप्लाइड बाई 1+1/5, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये 200 मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा 6/5, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5/20, अब ये देखिए टोटल क्या आंसर आएगा 240, यही हमारा रिजल्ट आया था इसके पहले भी। तो जो मेथड इसके पहले वाला है उसमें आपको अलग से परसेंट फाइंड करना पड़ेगा, नेक्स्ट ऐड करना होगा, और इसमें ये तो आपको मैंने बताने के लिए ऐसे एक्सप्लेन कर दिया, अदरवाइज आपको ये मेथड जब भी मतलब प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा तो एकदम एक लाइन में आपको ये आंसर मालूम चल जाएगा, बिकॉज आपको बस परसेंटेज देखना है और ये चीजें यहाँ पे रहेंगी, जस्ट लाइक यक्स रहेगा ब्रैकेट में 1+ रहेगा, बस चेंजिंग यहाँ पे करनी है कि परसेंट क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्रैक्शन पुट करना है, उसके बाद बस कैलकुलेट कर देना है यक्स की वैल्यू उसमें पुट करके। सो नेक्स्ट इससे देखते हैं, ये इंक्रीज वाला क्वेश्चन था, नेक्स्ट इसी टाइप का देखते हैं जब डिक्रीज होगा तब क्या होगा। तो सेम क्वेश्चन लेके हम चलते हैं इसको, बस यहाँ पे क्या हो रहा है, उसमें इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होने का मतलब क्या है, जो टोटल फ्रैक्शन है उसमें से हम उसके 20% पार्ट को निकाल के उसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे, उसके बाद जो न्यू वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे जो मैंने अभी आपको मेथड बताया यक्स इन अंडर ब्रैकेट 1+ और यहाँ पे जो भी परसेंट होता था उसके अकॉर्डिंग फ्रैक्शन पुट करते थे और ब्रैकेट क्लोज उसको सॉल्व करते थे तो न्यू वैल्यू फाइंड होती थी। तो ये जो है वो इंक्रीजिंग के कंडीशन में था, यहाँ पे आपको क्या करना है, डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज की कंडीशन में फाइंड करना है। तो डिक्रीज होने का मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि 1 माइनस करना होगा। अब फ्रैक्शन क्या है हमारा, 20% का मतलब फ्रैक्शन है हमारा भाई 1/5, तो 1 माइनस 1/5 कर देना है, यक्स की वैल्यू पुट करना है 200 इंटू, अब 1 माइनस 1/5 क्या हो जाएगा 4/5, अब इसको सॉल्व कर देंगे ये हो जाएगा 40, अब इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 160, ये हमारा आंसर होगा। तो इस पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहने से क्या होगा, देखते ही आपको आंसर पता चल जाएगा। तो इन दोनों मेथड के बेस पे आप अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी सॉल्व सम न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस विद ट्रिक्स, आई होप यू अंडरस्टूड प्रॉपरली एंड कंटिन्यू टू प्रैक्टिस ऑन दीज मेथड्स। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।